सो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया, यहाँ से ही जाना है। ये देखिए सामने में जो रास्ता दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों देखिए फाइनली सामान ढलना हो गया कंप्लीट और गाड़ी का टायर भी पूरा दब चुका है एक्चुअली। सो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया, सामान फटाफट कर लेते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो दोस्तों जस्ट मैं आके पहुँचा ही था, तो थोड़ा देरी से आया हूँ। तो आके पहुंचने के साथ साथ अभी सुमन भैया ने बोला है कि कारखाना में उनका सोफ़ा रेडी है, मतलब बनाया हुआ है, तो उसको ही जाके मुझे लेके आना है। एक्चुअली कारखाना है FCI मोलाई में, FCI का सामने कारखाना है, तो सोफ़ा 4 सेट या 5 सेट होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे रुक के तो फ़ायदा नहीं है, तो मिला एक काम कम से कम जाना तो चाहिए। चलिए निकलते हैं, जाते डायरेक्ट FCI सोफा का कारखाना में। सो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया, यहाँ से ही जाना है। ये देखिए सामने में जो रास्ता दिखाई दे रहा है, चलिए चलते हैं। और 5 सेट है दोस्तों पूरा पूरी, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखिए यहाँ पे फ्रेम सब रखा हुआ है। ये देखिए एक सोफा, और यहाँ पे देखिए बना के रखा गया है अंदर में। तो 5 का 5 सेट पूरा लेदर का है, और ये देखिए सब सोफा का फ्रेम बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए पूरा लकड़ी लकड़ी है, सब सोफा का ही लकड़ी है दोस्तों। और ये मुझे लग रहा है शायद रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, ये तो बनाया हुआ नहीं है क्योंकि फटा है, शायद रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है ये सोफा। तो चलो दोस्तों फटाफट ढाल लेते हैं। तो दोस्तों बात ये है, कल भी मुझे एक काम मिला था, वो भी MB का, तो आज भी पहला काम हो रहा है वो भी MB का दोस्तों। तो वो लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो लोग कुछ कर रहे हैं, जो सोफ़ा शायद रेडी कर रहे हैं, काम बाकी है शायद, करके ढाल के मैं दिखाता हूँ, तो वेट करते हैं अभी। A few inches later. So, दोस्तों देखिए सोफ़ा लोड हो रहा है ऑलरेडी, मतलब नीचे में 2 सिंगल सीटर ढाल चुका है और 3 सीटर ऊपर में 2, और एक चेयर जा चुका है, और भी लेके आ रहा है दोस्तों। टोटल 5 सेट है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ढालने में। ये देखिए मैं सामने जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक्स्ट्रा बांध दिया है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था इसी वजह, क्योंकि जितना भी सेट है सभी एक्चुअली लेदर का है दोस्तों, इसी वजह से ये बांधना पड़ा, नहीं तो बांधना नहीं पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों और भी लेके आ रहे हैं, देखिए चलिए ढाल के मिलते हैं दोस्तों। 2 hours later. सो दोस्तों देखिए फाइनली सामान ढलना हो गया कम्प्लीट, और गाड़ी का टायर भी पूरा दब चुका है एक्चुअली। ये जो लेदर का सोफ़ा है कुछ ज़्यादा ही भारी है दोस्तों, देखिए गाड़ी पूरा लोड है। बाप रे बाप। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, देखिए पीछे का टायर और आगे का टायर देखिए। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, धीरे धीरे जाना पड़ेगा एक्चुअली। गाड़ी पूरा ओवरलोड हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली रेक्सिन का जो लेदर का सोफ़ा है वो कुछ ज़्यादा ही भारी होता है दोस्तों। तो चलिए निकलते हैं, यहाँ पे रुक के फ़ायदा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया दोस्तों एक्चुअली, 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया ख़त्म करने में। तो चलिए निकलते हैं। सो दोस्तों फाइनली GS रोड तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी तक MB का गोडाउन का सामने नहीं पहुँचा हूँ। टाइम हो रहा है दोस्तों 4:25। सोचिए इतना टाइम लग गया दोस्तों जाने में और ढाल के ख़त्म करके आने में, एक्चुअली लोडिंग में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया दोस्तों, 2 घंटा। वही बात है दोस्तों, अभी जा रहा हूँ, जाके लगाता हूँ गाड़ी सामने में, लगा के बात कर लेते। तो दोस्तों
फाइनली मैं पहुंच गया। सामान फटाफट कर लेते हैं, रस्सी वगैरह खोल लेते हैं, जो घूमने वाला आदमी है वो भी आ चुके हैं, उतार के मिलते हैं। A little longer than a few minutes later. तो दोस्तों फाइनली सामान वगैरह उतारना हो गया कंप्लीट, टाइम हो रहा है दोस्तों 5:04, तो ख़त्म करके मैंने लगा दिया स्टैंड पे गाड़ी। दोस्तों अभी बैठते देखते और कुछ मिलता है कि नहीं। देखिए एक काम ख़त्म करने में पूरा दिन ख़त्म ही हो गया दोस्तों, 5:00 लगभग दिन तो ख़त्म ही हो गया। अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो ही जाएगा, तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते और कुछ मिलता है कि नहीं, या फिर एक ही काम से कल का जैसा एक ही काम करके घर जाना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता दोस्तों, मिलते हैं। 3000 years later. क्या बोला तूने? आर यू कॉमेडी मी? सो दोस्तों 5 से बैठा ही रहा स्टैंड पे, कोई भी बुलावा नहीं आया, और 3 दुकान का तो बोनी नहीं हुआ आज, तो जो भी हो मुझे एक काम तो मिला है MB फर्नीचर की वजह से, तो चलिए जो भी हो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, एक ही काम मिला कोई बात नहीं। लेकिन मैं बैठा ही रहा दोस्तों, जब तक मेरा टाइम नहीं हुआ उस टाइम तक मैं बैठा ही रहा GS रूट में, और भी दोस्त लोग थे साथ में, जस्ट मैं अकेला नहीं था, तो वही बात है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।